नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का मेरे चैनल यानी कि स्पोर्ट्स चौक पर स्वागत है। भाई, आईपीएल का 19वां मैच खत्म हो चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में ये 19वां मुकाबला खेला गया था, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने 44 रन से जीत लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स को करारी हार का सामना करना पड़ा है और इस हार के जो जिम्मेदार है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज और उनके बल्लेबाज, इस बात में कोई शक नहीं है। और जितनी शिकायतें की जाए कम पड़ेगी। मैं तो बल्लेबाजी, जब मुकाबले से पहले मैंने एक वीडियो डाला था प्रीव्यू का दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का, तो उसमें मैंने चर्चा भी की थी कि भाई दिल्ली कैपिटल्स सॉरी कोलकाता नाइट राइडर्स की जो बल्लेबाजी है, खास करके ओपनिंग जोड़ी जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, वो चल नहीं रहे हैं। खास करके अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर का पावर प्ले में इस सीजन जो है अब तक जो है 87 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो इस तरीके से अगर आप बल्लेबाजी करोगे तो किसी भी टीम के लिए जो मुसीबत तो खड़ी होगी। वहीं अजिंक्य रहाणे को भाई साहब मौके पे मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन पहले मैच के बाद उन्होंने उस मौके को भुनाया नहीं। आज भी 8 रन बनाकर आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर ने जरूर तेज तर्रार 18 रन की पारी खेली, लेकिन आपको लंबी पारी खेलनी होती है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की जो पूरी टीम है 171 रन पर सिमट गई। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 5 विकेट खोकर 215 रन। टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दिलाई डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने। जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, दिल्ली कैपिटल्स काफी ज्यादा राहत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने 51 रन की पारी खेली, 29 गेंदों का सामना किया, 7 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए। वहीं डेविड वार्नर, जो कि पिछले मैच में फ्लॉप साबित हुए थे, 12 गेंद का सामना किया था और 4 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इस मैच में उन्होंने शानदार वापसी की। और एक चैंपियन खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि जब भी उन पर उनका फॉर्म खराब होता है, वो जल्द ही वापसी कर लेते हैं। और आज वही हुआ। डेविड वार्नर ने 45 गेंदों का सामना करते हुए 61 रन की पारी खेली और 6 चौके और 2 छक्के जो है डेविड वार्नर ने लगाए और 215 रन तक जो है स्कोर पहुंचा। निचले क्रम में शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल ने भी तेज तर्रार पारी खेलकर अपनी टीम को 215 तक पहुंचा। और जब आप 215 रन का चेज करते हो ना भाई 20 ओवर में, तो हमेशा आपको एक छोर से एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए होता है जो कि लगातार बड़े शॉट्स के लिए जाए, रन बनाने के लिए जाए। लेकिन आपके पास जब अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज हैं जो कि T20 में भी टेस्ट की तरह बल्लेबाजी करेंगे, तो भाई उस तरीके से आप मुकाबला तो नहीं जीत पाओगे। और खास करके जब टॉप ऑर्डर में आप बल्लेबाजी कर रहे हो, तो आपको शुरू में ही बेहतरीन शुरुआत की जरूरत होती है, जिस तरीके से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने अपनी टीम को दिलाई। तो कुछ तो करना पड़ेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी है वो चिंता का सबब बनते जा रहा है। भले ही आप पॉइंट्स टेबल में थोड़े ऊपर हो, आपके पास 6 अंक हो, लेकिन आगे के लिए, क्योंकि टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ, आगे भी आपको बहुत सारे मुकाबले खेलने हैं, तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो कि विस्फोटक इनिंग्स खेले, वेंकटेश अय्यर का बखूबी साथ निभाए। तो मेरे हिसाब से अगले मैच में जो है अजिंक्य रहाणे फिट नहीं बैठता है। बावजूद इसके श्रेयस अय्यर अगर रहाणे पर भरोसा खाते हैं, तो भाई तहे दिल से मैं माफी मांगता हूं। फिर तो कोलकाता नाइट राइडर्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के लिए जो है मेरी तरफ से सहानुभूति साथ ही है। खैर, दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस मैच में शानदार गेंदबाजी की है कुलदीप यादव ने। भाई साहब 35 रन देकर 4 विकेट उन्होंने निकाले। खलील अहमद, जो हमेशा ट्रोल होते रहते हैं अक्सर अपनी गेंदबाजी की वजह से, क्योंकि इकॉनमी रेट जो है उनका काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा मार उनको पड़ती है, आज के मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है। 25 रन उन्होंने खर्च किए और 3 विकेट अपने नाम किए। तो कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज के मुकाबले में सब कुछ अच्छा हुआ है और इसका नतीजा यह है कि दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार जीत हासिल की। और आज के मैच में, जैसा कि मैंने प्रीव्यू में भी आपसे जिक्र किया था कि भाई ऋषभ पंत को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उनका स्ट्राइक रेट भी गिरा है, तो आज के मैच में उन्होंने 14 गेंदों में 27 रन की पारी खेली, तकरीबन 192 के आसपास में उनका स्ट्राइक रेट रहा, 2 चौके 2 छक्के भी लगाए। तो आज के प्रदर्शन जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के सभी खिलाड़ियों ने सभी डिपार्टमेंट में किया है, उससे रिकी पोंटिंग काफी ज्यादा खुश होंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत काम करना बाकी है, खास करके अपने टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी पर। श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, कप्तानी पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को भी साथ देना ही पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यार नया नया चैलेंज बना है, भाई को प्यार देते रहो और क्या, अगले वीडियो का इंतजार करो। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।